So we have completed the chapter, but Panika wants to repeat the Bohr model of atom, right? So let's do the Bohr model of atom firstly. So for the Bohr model of atom, this actually model of atom, it arises because the Rutherford model of atom, it suffers some of the limitations. ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की क्या क्या लिमिटेशंस थी. बेसिकली रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं. ओके, सो इफ द इलेक्ट्रॉन्स दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, ओके, सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट दे विल बी गेटिंग एक्सेलरेटेड. तो वो क्या हो रहे हैं, वो एक्सेलरेट हो रहे हैं. दैट मीन्स दे आर एक्चुअली लूजिंग देयर एनर्जी. तो अगर वो एनर्जी अपनी लूज कर रहे हैं, सो अ स्टेज विल कम व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल बी आउट ऑफ द एनर्जी. इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं रहेगी एंड सून दैट इलेक्ट्रॉन इट विल फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस वेयर योर एटम इट विल कोलैप्स. तो आपका जो एटम है वो कोलैप्स कर सकता है. बट एक्चुअल में सी व्हेन यू पीपल आर राइटिंग दिस लिमिटेशन इन द टेस्ट पार्ट ऑल्सो यू आर जस्ट राइटिंग इट डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. I have told you this whole story, this whole thing, ki electron ghoom rahe hain but wo accelerate ho rahe hain, unki energy lose ho rahi hai. So why you people are not writing this thing? You simply are writing because it doesn't explain the stability of the atom. So how the stability is not explained, please elaborate your point. And furthermore, when you are writing this all thing, ki electron jo hai wo it is revolving around the nucleus and it will be out of the energy. ओके, सो यहां तक अब आप खत्म कर रहे हो. सो व्हाट इफ इट इज आउट ऑफ द एनर्जी, अगर वो उसके पास एनर्जी नहीं है तो फिर क्या होगा. तो अगेन यू पीपल आर नॉट राइटिंग दिस थिंग. इफ इट इज आउट ऑफ द एनर्जी इट विल कोलैप्स, वो गिर जाएगा, एटम जो है वो आपका कोलैप्स हो जाएगा. बट दिस थिंग एक्चुअली दिस डजंट हैपन. ऐसी चीज जो है एटम के कोलैप्स होने की जो चीज है वो कभी होती ही नहीं है. इट डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली. तो कंप्लीट राइटिंग में लिखना है जब आप लिमिटेशन लिख रहे हो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, इनकम्प्लीट नहीं लिखना है. ओनली स्टेबिलिटी लिखोगे तभी भी वो इनकम्प्लीट है, एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग द पॉइंट ऑफ द कोलैप्स ऑफ द एटम तो वो भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं. ओके, सो बोहर मॉडल ऑफ एटम ने इन चीजों को क्या किया है, ही एक्चुअली ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसमें उसने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस भी ऑर्बिट्स में वो घूम रहे हैं, they are actually the fixed orbits. ये orbits क्या है, ये orbits जो है वो fixed है. okay, जिनको उसने क्या कहा, energy level कहा, energy shell कहा. starting points they are same, कि nucleus है, nucleus के आसपास electrons move कर रहे हैं. electrons किस में move कर रहे हैं, electrons जो है वो shells में move कर रहे हैं. okay, orbits में move कर रहे हैं. इन शेल्स और ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है. द एनर्जी ऑफ दीज शेल्स और द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड. ओके, तो जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन फिक्स्ड शेल्स में घूमेगा, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दीज फिक्स्ड एनर्जी शेल्स, तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लूज या गेन नहीं होगी. ओके, सो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है, with that much energy it keeps on revolving around the nucleus in that shell, right? electron ki energy ka change kab hoga, when the electron it moves from the ground state to the excited state, or whether it is coming back from the excited state to the ground state. okay, to in dono cases mein jo electron ki energy hai wo lose hogi. So if this is ground state and this is excited state, तो delta E energy का change किसके equal होगा, E2 minus E1 के equal होगा. Okay, इन shells को उसने नाम दिया है K L M N shells, right? So this is all about the Bohr model of atom. और जब भी आपको postulates पूछे जाते हैं बेटा, जो postulates उन्होंने दिए हैं you have to write them. ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी लाइंस जो है वो लिख रहे हो, एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर एज द पोस्टुलेट्स. सो वट एवर द थ्योरी द जनरलाइजेशन हैज बीन गिवन, यू हैव टू राइट देम एग्जैक्टली. ठीक है,
बोहर ने क्या कहा है, रदरफोर्ड ने क्या कहा है, वो सारे जो उसके पोस्टुलेट्स है आपने एग्जैक्ट लिखने हैं. अपनी तरफ से आप पोस्टुलेट्स लिखोगे, यू पीपल आर राइटिंग दम इनकम्प्लीट. The isotopes, they are having same chemical properties. The reason being is कि हम सब में क्या देख रहे हैं. If we are talking about the isotopes of hydrogen, so you see in all the three isotopes the Z is same, that is one. ठीक है, तो Z आपको देता है प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन. यानी कि इस केस में जो प्रोटोन्स है और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों सेम है. तो चाहे मैं हाइड्रोजन का प्रोटियम लू, आइसोटोप ड्यूटीरियम आइसोटोप लू या ट्रीटियम आइसोटोप लू, ठीक है. सो वट एवर आइसोटोप आई एम टेकिंग फॉर द हाइड्रोजन, उस सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं. और जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी डिटर्मिनिंग द केमिकल बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है. अब मैंने इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, मैंने प्रोटोन्स का घूमने का कंसेप्ट क्यों नहीं कहा आपको, न्यूट्रॉन्स जो है वो क्यों नहीं इन्वॉल्व किए हमने, बिकॉज द होल ऑफ द थिंग लॉस या गेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है. ओके, सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों में सेम है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. ओके ठीक है बेटा, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो मैंने आपको कल बताया था द टॉपिक ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. Now there are 2-3 numericals in your back exercise of NCERT where we will be discussing these numericals now. That will be covering the concept of average atomic mass. So whenever we have to do the numericals of average atomic mass, you have to know that 2-3 things they should be given to you. Firstly, you should be given with the A. एटॉमिक मास आपको गिवन होना चाहिए. यू शुड बी गिवन विद द परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, कि वो आइसोटोप जो है वो किस परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड सेकेंडली यू हैव टू नो दैट दिस परसेंटेज ऑफ अबंडेंस विल बी फ्रॉम द 100. यानी कि अगर 2-3 आइसोटोप्स जो हैं, परसेंटेज हम जनरली 100 में ही एक्सप्रेस करते हैं, तो अगर मैं 2-3 आइसोटोप्स की बात कर रही हूँ तो आपने हमेशा याद रखना है उन सारे आइसोटोप्स की परसेंटेज को जब आप प्लस करोगे दैट विल बी इक्वल टू 100. ओके राइट, तो अब फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर द एवरेज एटॉमिक मास. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास यू शुड बी नोइंग द एटॉमिक मास ऑफ, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 एलिमेंट्स, ठीक है. मैं यहाँ पर 2 आइसोटोप्स की बात कर रही हूँ, तो कुछ कितने भी आपको गिवन हो सकते हैं, 2, 3, 4. ओके, सो यहाँ पर मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको 2 के लिए बताऊंगी. इफ 3 आर गिवन तो आपने 3 के लिए एक्सटेंड कर लेना है, 4 गिवन है तो आपने 4 के लिए वो फॉर्मूला जो है वो एक्सटेंड कर लेना है. ओके, सपोज आई एम हैविंग 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट. ओके, तो एटोमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का आपने लेना है एटॉमिक मास, उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द परसेंटेज ऑफ अबंडेंस प्लस, इसमें हम प्लस करेंगे अगेन एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज ऑफ अबंडेंस के साथ. ओके, देन यू हैव टू डिवाइड देम. फिर आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. अब डिवाइड किससे करना है, मैंने द रेशियोज ऑफ द अबंडेंसेस दैट आर गिवन टू यू, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट. तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. तो जब भी आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो आपने पहले फॉर्मूला एक्सप्रेस करना है. ये दिस फॉर्मूला यू हैव टू एक्सप्रेस वेयर वी आर यूटिलाइजिंग द एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज एंड
you have to divide them with the percentages of the both the elements. Okay, sum of the percentages of both the elements. Now, if I gave you one numerical, ठीक है, अब हम एक numerical discuss करेंगे. The numerical is that the bromine atom, it is available in the form of two isotopes. So आपके पास bromine atom है, वो दो isotopes में exist कर रहा है. Where the first isotope is having the percentage of 49.7, okay, and this is 79 and 35. Where the second element is 81 and 35. With the percentage of 50.3. You have to calculate the average atomic mass of bromine atom. तो हमने इसमें average atomic mass calculate करना है bromine atom का. So let's calculate. The average atomic mass will be equal to तो formula के according हम क्या कहते हैं कि पहले element का atomic mass देखो. तो this is my first element. So इसका atomic mass है 79. So 79. I'll be multiplying it with the abundance, percentage abundance, that is 49.7. Then I have to add the second element. Uska atomic mass hai 81. Then I'll be multiplying it with the 50.3, jo iski abundance hai. Then I'll be dividing them both with the sum of their ratios. तो यही रेशियोज है इन दोनों की, एक की ये है और एक की ये है, तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया यहाँ. ओके, तो आप हमेशा देखोगे ये जो नीचे वाला आंसर होगा ये आपका हमेशा 100 आएगा, बिकॉज द सम ऑफ द परसेंटेजेस, द सम ऑफ द अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स, दे विल बी ऑलवेज इक्वल टू 100. तो अभी भी आप देख लो ये 100 ही बनेगा, ठीक है. तो हम इनका 100 में से ही निकाल लेंगे हमेशा, यानी कि अगर आपको एक की पता है तो दूसरे की कैसे निकालोगे, 100 में से माइनस करके जो दूसरे की है वो परसेंटेज मिल जाएगी आपको. सपोज अगर मैंने आपको दूसरे की नहीं बताई होती 50.3, ठीक है, आपको फर्स्ट की पता है तो आपने 100 में से 49.7 कर लेना था, दैट विल बी गिविंग यू 50.3. सो यू कैन यूज हेयर 50.3. इज दिस क्लियर? हाँ जी बेटा, यहां तक समझ आया है? Only one, two students, बाकी okay. Now calculate the value बेटा, अब इसको calculate करो और मुझे answer बताओ कितना आया. Calculate it and give me your answer. Okay, so your answer is 80.006. तो इसका average atomic mass कितना बनता है, इतना बनता है. Okay. Right, so now you can figure out why the atomic masses we take generally round off. हम क्यों लेते हैं? तो क्योंकि ये values जो हैं वो points में आती हैं, इसलिए हमें nearest points के लिए, ठीक है, whole numbers जो हैं वो लेने पड़ते हैं. So this is the average atomic mass of this bromine isotope. Now write down the second numerical. Write down the second numerical. For the second numerical, the average atomic mass of a sample of an element, you can write down the average atomic mass of a sample of an element X. It is given to you that is 16.2 U. That is 16.2 U. You have to calculate the percentage of isotopes. You have to calculate the percentage of the isotopes. So, two isotopes आपके पास given है X के. That is 16 and 18.
ठीक है जी, तो ये दो आइसोटोप्स आपको गिवन है इन द सैंपल. नाउ सी, व्हेन एवर आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही है. अब मुझे तीन चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है. हेयर द थ्री वेरिएबल्स दे आर इन्वॉल्व्ड, द फर्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास, द सेकंड इज परसेंटेज एंड द थर्ड इज एटॉमिक मासेस. तो मुझे एटॉमिक मासेस भी गिवन है और मुझे एवरेज एटॉमिक मास गिवन है. एक चीज नहीं गिवन है, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं ना. अब मैथ्स में भी ऐसे ही करते हो ना, ठीक है. तो आपके पास दो चीजें गिवन है, तो आप जो थर्ड थिंग है, थर्ड वेरिएबल, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट नाउ. सो सेम इज द केस हेयर. नाउ दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द एवरेज एटॉमिक मास. तो जो चीज हमने पीछे न्यूमेरिकल में काउंट की थी, निकाल ली थी, अब वो उन्होंने ऑलरेडी हमें दे दी हुई है. दैट द एवरेज एटॉमिक मास इज 16.2. तो दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन टू मी इज इक्वल टू. अब चलते हैं आगे. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि एटॉमिक मास लेना है फर्स्ट वाले का. तो फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास कितना है, 16 है. इनटू परसेंटेज, परसेंटेज तो मैंने निकालनी है. ओके, आई हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. नाउ वन मेन रूल विच आई टोल्ड यू दैट द परसेंटेजेस दे विल ऑलवेज बी फ्रॉम द 100. ठीक है, तो जितने भी आइसोटोप्स हैं, जब आप उन सबको प्लस कर दोगे तो इन जनरल वो आपको कितने में से देंगे, 100 में से देंगे. ओके, तो सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं इस वाले आइसोटोप का, जो एक्स वाले आइसोटोप है, इसकी जो परसेंटेज हम ले लेते हैं वो एक्स ले लेते हैं. जैसे मैंने अभी आपको लास्ट वाले में बताया कि मुझे 49.78 की गिवन थी, तो दूसरे की अगर मैंने निकालनी है तो मैं 100 में से उसको माइनस करके निकाल लूंगी, तो दैट विल बी गिविंग यू 50.3. सो इन द सेम वे, अगर मैं एक की एक्स ले लूंगी तो दूसरे की परसेंटेज क्या बन जाएगी, इट विल बी 100 माइनस एक्स. क्योंकि जब आप इन दोनों की परसेंटेजेस को प्लस करोगे, दैट विल बी गिविंग यू 100. क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है बेटा, तो अगर एक की एक्स है तो दूसरे की हम 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे. तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वी विल बी फाइंडिंग हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स. तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी दूसरे की तो अपने आप निकल जाएगी. ओके, तो मैंने फर्स्ट वाले आइसोटोप की वैल्यू क्या ली है, एक्स ली है. तो डेट इज 16 × x प्लस दूसरे आइसोटोप का मास कितना है, डेट इज 18. परसेंटेज अभी हमने निकाल ली है 100 माइनस एक्स. ठीक है जी, आई विल बी डिवाइडिंग देम बोथ विद देयर परसेंटेजेस. तो फर्स्ट की परसेंटेज है एक्स और सेकंड की 100 माइनस एक्स. हां जी, क्लियर हुआ बेटा यहां तक? इज दिस न्यूमेरिकल क्लियर टू यू? ओके, तो अब नीचे देखो, एक प्लस का एक्स है, एक माइनस का एक्स है, तो वो कट गया. अगेन नीचे देखो, 100 आ गया. ऑटोमेटिकली 100 ही आएगा हमेशा. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. 16.2 × 100 इज इक्वल टू 16x प्लस 1800 माइनस 18x. तो ये आपके पास एक मैथ्स की इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व फॉर एक्स. Okay, so this is a mathematical equation where you have to solve for the x. So I hope now you can solve the value of x here. Solve it and beta give me the answer. Hey Ramni, kya answer hai beta? First one is 90 and second is 10. So the value of x, after solving this, you will be getting the value of x as 90. And 100 minus x karoge, so it will be 100 minus 90. That is going to give you 10%. Okay, so this is the value of the percentages that you will be getting. For the x, it will be 90. So yani ki ye wala isotope jo hai, that is present in 90%. Aur ye wala jo isotope hai, that is present in 10%. क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हो गया न्यूमेरिकल?
ओके नाउ सॉल्व फॉर द अनदर न्यूमेरिकल सेम ऑफ दिस टाइप. ठीक है, तो इस टाइप का एक सेम न्यूमेरिकल है, तो वो सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए इसका. So here the average atomic mass of boron is actually given to you, that is 10.80. ठीक है बेटा, अगेन यू हैव टू फाइंड देयर परसेंटेजेस ऑफ अबंडेंस वेयर द एटॉमिक मास इज गिवन टू यू एज 10 एंड 11. तो एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 10 है और दूसरे का आइसोटोप का एटॉमिक मास 11 है. ठीक है, तो अगेन वी आर गिवन विद टू थिंग्स एंड वी हैव टू फाइंड द अनदर वन, द लास्ट वेरिएबल. चलिए डू द न्यूमेरिकल इन द सेम वे एंड गिव मी द आंसर बेटा. सेम वे से होगा ये भी, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए. तो बोरोन का एक 10 आइसोटोप है और एक बोरोन का 11 आइसोटोप गिवन है आपको. So we have to do the same thing, 10 into again x plus 11 into 100 minus x, and then we will be dividing it with 100. Okay, so 10.8 into 100 karenge, that will be equal to 10x plus 1100 minus 11x. Okay. So solve the value beta. So 1100 में से माइनस करना है आपने 1080. जी धीरेन, यस बेटा क्या आंसर है? धीरेन मैम आंसर इज 20. Very good. The answer is 20. So value of 100 minus x is 80%. Very good. So here you will be getting x as 20%. And when we are going to subtract it, it will be 100 minus 20. That is going to give you 80%. Okay. So हमने दो values निकाल ली हैं. The first one is 20 and the second one is 80. Now this question can be asked to you like this also. कि अगर मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ, ओके, नाउ जो मैंने फाइंड किया है अगर मैंने वही आपको दिया है, ओके, सो बोरोन के दोनों आइसोटोप्स का मैंने आपको मास दे दिया और उनकी अगर परसेंटेज दे दी 20 एंड 80, यू हैव टू फाइंड देयर एवरेज एटॉमिक मास. ओके, सो न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व इट एंड अगेन यू कैन फाइंड द वैल्यू 10.8. ठीक है, तो बोथ वे से ये न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. हम आपको कुछ भी दे सकते हैं. वी कैन गिव यू आइदर द एवरेज एटॉमिक मास एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंटेजेस, और वी कैन गिव यू द परसेंटेजेस वेयर यू हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास. इज द न्यूमेरिकल क्लियर टू यू? ठीक है, तो अगर मैंने अभी आपको ये दोनों चीजें दी होती हैं और साथ में ये मासेस दिए हैं, तो आपने फिर ये 10.8 की वैल्यू जो है उसके लिए सॉल्व करना था. राइट, तो तीन चीजों में से हमेशा आपको दो चीजें गिवन होगी एंड यू हैव टू फाइंड द लास्ट वन. राइट, ठीक है बेटा. चलिए गिव मी वन आंसर नाउ. नाउ सिंस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. तो हमने काफी एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हुए हैं अभी तक. Now tell me the answer. Why helium, neon and argon, they have zero valency? Or the question can be asked to you like this also, that helium atom has two electrons in its valence shell. They are saying ki helium ke paas to do electrons hain valence shell mein, but uski valency jo hai wo two nahi hai. Okay,
The question can be asked like this also. Yes, Aparan? Ma'am, it has completely filled outermost shell, therefore its valence is zero. Very good. So they are having the completely filled outermost shell. तो हीलियम नियॉन और आर्गन के लिए आप सेपरेटली उनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिख के बता सकते हो, ठीक है? For the helium, it is having two electron in its K shell. Neon के लिए, ठीक है? 2-8 है, K shell पूरी है, K और L shell दोनों पूरे हैं. आर्गन के लिए, you can see KLM shells तीनों जो हैं वो filled हैं. Okay, so since it is having fully filled shells, the outermost shell, so that's why it don't have any tendency to lose or gain electron. Lose or gain वो तब करेगा जब उसके पास कम या ज्यादा होंगे, ठीक है? But it has actually already acquired the noble gas configuration due to which the loss and gain of electron is not necessary for these elements. Okay, so that's why they don't combine and they show a valency of zero, right? Because they are already stable in nature. Is this clear, beta? Okay. Now you have to tell me the valence electrons in sodium ion and oxide ion. Yes, the number of valence electron in sodium ion and oxide ion. Chalo batao beta. Yes, Diya. Ma'am, in sodium valence electron is 1 and in oxide there valence electrons are 6. We are talking about Na positive, Diya. Na positive mein batao number of valence electrons. Ma'am, 0. How it will be 0? 8. 281 tha na sodium ka. अगर इसने एक लूज कर दिया है, now it is having valence electrons 8. Last shell के electrons होते हैं ना, हम valency की बात नहीं कर रहे, I'm talking about the valence electrons. तो last shell में जितने electrons होंगे, they will be the valence electrons. So 8 will be the valence electrons here. And similarly, if we are talking about O2 negative, so oxygen की जो valency है, वो ये है. This is the valency of oxygen when it is going to accept 2 electrons. तो 6 में 2 add कर दो. So it will be 2-8. Again, this is also having 8 valence electrons. Okay, so rest we will continue.